स्टूडेंट्स, वेलकम टू दून पाठशाला क्लासेस। मेरा नाम आशीष कुमार है और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, विच इज़ एसेट बेसिस एंड सॉल्ट्स, जो कि क्लास 10th, 11th, 12th सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक से सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। फ्रॉम द वेरी वेरी स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एसेट्स और बेसिस के बारे में बात करेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, क्या क्या उनके सोर्सेज हैं, नेचुरली कहाँ देखने को मिलेगा, आपके आसपास कहाँ पे हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, विच इज़ एसेट एंड बेसिस। तो अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। उन थ्योरीज में सबसे पहली जो थ्योरी आती है वो है RNS थ्योरी। RNS कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, RNS साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, जो कि कहते हैं कि एसेट वो सब्सटेंस है जो डिसोशिएट करता है H पॉजिटिव आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। कहने का मतलब है एसिड वो है जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा जब उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाएगा, जैसे HCl। अगर ये लिक्विड मान लो गैसेस फॉर्म में है, अगर ये गैसेस फॉर्म में है तो ये H पॉजिटिव आयन नहीं रिलीज करेगा, इट मीन्स इसको एसिड कंसिडर नहीं कर सकते हम। क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, फिलहाल अभी इसके बारे में बात करेंगे, ये ध्यान रखना। HCl अगर लिक्विड होगा तभी ये H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन को डिसोशिएट करेगा और तभी ये प्रॉपर्टी देगा, ठीक है। तो ये हमारा एसिड की एक जो पहला कॉन्सेप्ट, विच इज RNS कॉन्सेप्ट, जो बोलता है कि एसिड वो है जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा जब उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे। यही इंपॉर्टेंट होता है, आपका pH पे भी आगे आएगा और यही pH आपके जो माउथ में टंग में रिसेप्टर्स होते हैं उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो आगे बात करूंगा, अभी फिलहाल अभी इतना जानते हैं कि एसिड्स क्या हैं, ठीक। तो एसिड हमारा सिंपल सी बात बता देता हूं मैं, एसिड आर दो सब्सटेंस विच डिसोशिएट एच पॉजिटिव आयन व्हेन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज मेड, ठीक। तो एग्जांपल H2SO4, HCl, ऑर्गेनिक एसिड्स हमारे एग्जांपल लेंगे, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, सबके एग्जांपल्स हैं ये, उनके सोर्स से भी बताऊंगा, फिलहाल अभी हम डेफिनेशन पे फोकस करते हैं, ठीक है। फिर हमारे आते हैं बेसिस। तो बेसिस हमारे क्या होते हैं, बेसिस आर सब्सटेंस विच डिसोशिएट OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं, और ये कब होंगे, इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। हाइड्रोक्सिल आयन हमारे वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर OH नेगेटिव आयन रिलीज करें सब्सटेंस वो, जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं NaOH, ठीक। इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो हमें देगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। जैसे ही सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन मिलेंगे, इट मींस ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बेस होगा अकॉर्डिंग टू RNS कॉन्सेप्ट, RNS थ्योरी। मेरे ख्याल से आप लोगों ने एसिड बेसिस के बारे में सब इतना ही सुना होगा कि एसिड सार टेस्ट होते हैं और बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो जनरली आपके तीन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिसमें से पहला मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, विच इज़ RNS कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ये जो RNS कॉन्सेप्ट सिमिलर है, बस थोड़ा सा इसका जो डेफिनेशन है वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो जाती है। उसमें ये बोलता है Substance which are proton donor, proton होता है हमारा H पॉजिटिव, ऐसे substance जो proton डोनेट करे, जो proton रिलीज कर दे या डिसोशिएट हो जाए। अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल को देखें HCl, इसका एक्वस सॉल्यूशन है ये H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये क्या दे देगा सॉल्यूशन में, H पॉजिटिव आयन दे देगा। तो ये भी ध्यान रखना कि H पॉजिटिव आयन दे रहा है तो ये प्रोटॉन डोनर है, ये हमारा ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये हमारी एसिड की डेफिनेशन क्लियर होती है। बेसिस सब्सटेंस विच आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स जैसे मैं बात करूं NH3 प्लस H पॉजिटिव NH4 पॉजिटिव, ये हमारा क्या हो गया, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस हो गया, ठीक, क्लियर हो गई बात। एक चीज़ और रह गई है, मेरे ध्यान से निकल गई, मैं बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू RNS कॉन्सेप्ट एक और बात इसको और अच्छे से बता देते हैं, वो कि वो ये कहते हैं कि H पॉजिटिव आयन तो बन जो रिलीज करे वो हो, या हाइड्रोनियम आयन जो फॉर्म करे सॉल्यूशन में, हाइड्रोनियम आयन जो फॉर्म करे वो भी हमारा एसिड होता है। तो हमारे दो कॉन्सेप्ट हो गए हैं, विच इज RNS कॉन्सेप्ट एंड ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं वो। तो पहला हमारा RNS कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि एसिड वो हैं जो डिसोशिएट करते हैं H पॉजिटिव आयन जब उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक। ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला, एसिड्स वो हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, सिमिलर है,
प्रॉपर्टी सिमिलर है बट ये क्या है, एक जनरल वे में बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे कर रहे हैं ये आपका हाइड्रोजन आयन के ऊपर बात कर रहे हैं। बेसिस क्या है, बेसिस आरएनएस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो है जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं जब उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है। ब्रॉन्सन लॉरी के कॉन्सेप्ट में बोला सब्सटेंस आर विच सब्सटेंस दोज एक्सेप्ट प्रोटॉन आर बेसिस। ठीक, तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट खत्म होता है। थर्ड आपके कोर्स में नहीं है, अकॉर्डिंग टू टेंथ बोलूं तो टेंथ में ये कोर्स आपके है नहीं, विच इज लुईस कॉन्सेप्ट। अब लुईस कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक इलेवेंथ में वो टॉपिक आता है, तभी वो समझ में आएगी, अदरवाइज अभी हम बात नहीं करते हैं क्योंकि आप लोग सिर्फ यही दो कॉन्सेप्ट जानने के लिए जरूरी है। और मैं बोलूँगा आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये जो कॉन्सेप्ट है यही आता है एग्जाम में और इसी के ऊपर हमें बात करनी होती है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो अब मैं बताता हूँ आपको कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स एसिड्स के हैं जिसमें से हम दो टाइप दो पार्ट में देखते हैं इसको, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स वो विच वी बॉट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, या ऐसा कर सकते हैं प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं, वो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं, वो हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ सिट्रिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड होता है हमारे जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं, जैसे मैं बोलूँ लेमन हो गया, ठीक, आंवला हो गया, ये सब क्या है, इसमें सिट्रिक एसिड होता है। ठीक, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड हमारी कर्ड में होता है। ठीक, ऑक्सैलिक एसिड एग्जाम में आता है ध्यान रखना, ये टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड। मैलिक एसिड ये एप्पल में होता है। फॉर्मिक एसिड ये आंट या बी की स्टिंग में होता है, एंट या बिंग बी जो होती है जो डंग मारती है उसके स्टिंग में होता है। एक और होता है विच इज टार्टरिक एसिड, वो टैमरिंड में होता है, यहाँ पे लिखना रह गया था, यहाँ एडिशनल कर रहा हूँ मैं, टैमरिंड होता है आपका, इसमें होता है टार्टरिक एसिड, इसको ध्यान रखना, ऐड कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है कि टार्टरिक एसिड कौन से फूड में हमें मिलता है, तो टैमरिंड में हमें मिलता है, टैमरिंड इमली को कहते हैं। सिट्रिक एसिड लेमन आमला में मिलता है, लैक्टिक एसिड कर्ड में, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में, मैलिक एसिड एप्पल में, फॉर्मिक एसिड एंट या बी के स्टिंग में, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड होता है। ठीक, तो ये ऑर्गेनिक एसिड हो गए जो नेचुरली हमको मिलते हैं। जनरली ध्यान रखना जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो ज़्यादा करोसिव नहीं होते हैं। करोसिव मतलब कि अगर उसे कंज्यूम कर लिया जाए या बॉडी में गिर जाए तो वो ज़्यादा डैमेज नहीं करते हैं। एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन है, वो भी बाद में बात करेंगे, फिलहाल ये ध्यान रखना। अब बात आती है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड का मतलब विच वी प्रिपेयर्ड इन लैब्स और फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, जो कि नेचुरली नहीं मिलेगा हमें, इनको हमें बनाना पड़ता है। एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, स्टमक में होता है जिसकी वजह से हमारा फूड फर्दर डिकम्पोज होने स्टार्ट होता है, डाइजेशन होता है, या जो भी बैक्टीरियाज जो भी हार्मफुल चीज़ें होती हैं वो वहीं पे स्टमक में डिस्ट्रॉय हो जाती है बाय यूजिंग HCl। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, कार्बोनिक एसिड H2CO3, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में जो होता है H2CO3। ठीक है, तो ये बेसिस के कुछ मिनरल एसिड्स के एग्जांपल्स हैं, इनको ध्यान रखना, एसिड्स के बारे में इतना ही जानकारी आपको होनी चाहिए। बेसिस के एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे ये जो देख रहे हो आप, ये जो दो हैं आपके MgO और CuO, और इनके कंपैरिजन में देखें NaOH, SuOH, MgOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ पे बेसिस के साथ साथ एक और एडिशनल चीज़ आती है विच इज एल्कली। एल्कली मेटल्स भी होते हैं, वो बताएंगे भी क्या है, फिलहाल एल्कली जानते हैं। एल्कलीज आर द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। कहने का मतलब है बेस एक बड़ी क्लास है, ठीक है, बेस एक बहुत बड़ी क्लास है, उसके अंदर जो बेसिस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एल्कलीज। एग्जांपल हो गए NaOH, CuOH, MgOH का होल ट्वाइस, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, जबकि MgO और CuO वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, वो बेसिस हैं। ठीक है, तो दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर एल्कलीज। तो एक स्टेटमेंट बहुत बार सुनने को मिलेगा आपको,
ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिस तो सारे एल्कलीज तो बेसिस हैं बट सारे बेसिस एल्कली नहीं होते, क्योंकि एल्कलीज एक बेसिक बेस का ही पार्ट है बट वो पार्ट कौन सा है जो वाटर में सॉल्युबल होता है. तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप लोग समझ में आ गया होगा. तो एल्कली और बेसिस के एग्जांपल में एग्जांपल पूछे जाते हैं, डिफरेंस पूछा जाएगा, तो आपको एग्जांपल्स के थ्रू इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो. ठीक है, एग्जांपल हो गया. अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो है टाइप्स ऑफ एसिड्स. ऑर्गेनिक एंड मिनरल तो हो गया, इसी में आता है कंसनट्रेटेड एसिड्स एंड डायल्यूट एसिड. तो चलिए वो देखते हैं. तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विच इज टाइप्स ऑफ एसिड्स. टाइप्स ऑफ एसिड्स में अलग अलग क्लासिफिकेशन होती हैं. तो पहला क्लासिफिकेशन हम लोग देखें ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के बारे में. जैसे एग्जांपल में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि एसिड्स आपके दो टाइप्स के होते हैं, विच इज ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड्स. तो अगर वो नहीं देखा है वो देख लेना आप लोग. तो ऑर्गेनिक एसिड में जस्ट ब्रीफ में दोबारा से बता देता हूँ, सिट्रिक एसिड, लैटिक एसिड, मैलिक एसिड कहाँ कहाँ पे होता है मैं बता चुका हूँ आपको. मिनरल एसिड जो फैक्ट्रीज वगैरह में बनाया जाता है, ऑर्गेनिक एसिड जो हमें नेचर से मिलता है. तो इसकी बात हम नहीं करेंगे, जो नई बात है उसकी नई बात करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन होता है अमाउंट ऑफ एसिड डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट, मतलब लिक्विड जो हमारा वाटर है उसमें कितना एसिड डिजॉल्व है. अगर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर बात करें तो हमारे दो टाइप के एसिड्स होते हैं, विच इज डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड. अब डाइल्यूट की बात करें तो डाइल्यूट एसिड वो एसिड्स होते हैं जिनमें रिलेटिवली लो परसेंट ऑफ एसिड होगा जब उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है. मतलब अगर मैं पानी में उसको घोल रहा हूँ तो अगर एसिड की अमाउंट कम है, ठीक है, तो वो डाइल्यूट एसिड होता है. अगर उसकी परसेंटेज क्या हो, हाई हो, तो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है. अलग अलग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं, जैसे 68% हमारा HNO3 इज अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, 98% H2SO4 इज 98% प्योर, 68%. तो ये ध्यान रखना है आपको कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, क्या उसके यूजेस हैं. अलग अलग हमारे काम होते हैं. कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का काम अलग है, डाइल्यूट एसिड का काम अलग है. कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ज़्यादा करोसिव होता है. कहने का मतलब है कि अगर किसी की स्किन पे अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड गिर जाता है तो ज़्यादा डैमेज करेगा एज कम्पेयर टू डाइल्यूट एसिड. जो घरों में आता है उसका डाइल्यूशन बहुत बहुत हद तक डाइल्यूशन किया जाता है, मतलब उसमें पानी ज़्यादा डाल दिया जाता है और एसिड की अमाउंट कम होती है, इसी वजह से हम लोग उसको घर में यूज़ करते हैं. बहुत से ऐसे फैक्ट्रीज या मैं बोलूँ शॉप्स में मिल जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड मिल जाता है, जिसकी वजह से लोग आजकल उल्टे काम करते हैं. तो उसकी बात नहीं करते, फिलहाल डाइल्यूट एसिड की बात कर रहे हैं, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की बात. तो डाइल्यूट एसिड वो जिसमें एसिड की अमाउंट कम होती है और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो जिसमें एसिड की अमाउंट ज़्यादा होगी. ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, विच इज़ डाइल्यूशन ऑफ एसिड, कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से डाइल्यूशन कैसे करते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है. एग्जाम में सवाल पूछते हैं कि डाइल्यूशन हम एसिड का कैसे करते हैं. अब वो क्या है वो देखते हैं. ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स, एसिड का डाइल्यूशन कैसे करते हैं. कभी भी हम एसिड में वाटर ऐड नहीं करते हैं. क्यों? क्वेश्चन बनता है कि वाई सॉरी, जब हम लोग डाइल्यूशन कर रहे होते हैं तो हम वाटर को एसिड में नहीं डालते हैं. इसका रीज़न ये है, एसिड प्लस वाटर रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक, जिससे क्या होगा, सडनली जिस कंटेनर में भी डाला है, जिस टेस्ट ट्यूब वगैरह में जिसमें भी कर रहे हो, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. चांसेस हैं कि क्या हो सकता है, वो जो टेस्ट ट्यूब है बर्स्ट हो सकती है या आपके हैंडलिंग में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि वो स्पिल होके आपके ऊपर आ जाए. तो क्या हो सकता है, चांसेस हैं कि वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है. इसलिए हम क्या करते हैं, इस वाले स्टेप को नहीं करते हैं. ठीक, हम क्या करते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें वाटर डालते हैं और एसिड डालते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप और उसको फिर शेक करते हैं. जैसे ही वो ठंडा हो, जैसे देखो एसिड और वाटर तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जैसे ही हमने वाटर में एसिड डाला, टेम्परेचर बढ़ा, फिर उसे शेक करके मतलब स्टिर करके हमने उसे ठंडा कर दिया, फिर एसिड डाला, ऐसे करते 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 हम एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन तक लेके जाते हैं. तो याद रखना, जब भी हमें डाइल्यूशन करना होता है एसिड का, इस तरह से करते हैं. कभी भी हम एसिड में वाटर नहीं डालते,
वाटर में एसिड डालेंगे. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डाइल्यूशन किस तरह कर रहे हैं. ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा बात. तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे जो कि हमारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स बेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस हैं, और उसके बाद हमारा लास्ट में सॉल्ट्स आता है. उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं, उन सॉल्ट्स के ऊपर बात करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.